देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आज मेरे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं श्री राजेंद्र जी राजपूत, जिनके आगे लोग संत लगाते हैं। संत इसलिए कि इनका भाव संत की तरह है। वर्तमान परिदृश्य में पूरी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर इनकी समय समय पर रैलियां निकलती रहती हैं और उन रैलियों का माध्यम होता है गो सेवा और हिंदुत्व को बढ़ावा देना। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की कृषि मोर्चे की इकाई में भी इनका एक बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा, जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उन सहित तमाम बड़े नेताओं से सीधे संपर्क में रहने वाले संत श्री राजेंद्र सिंह जी राजपूत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आज इनसे बात करेंगे इस समय जो देश में गो सेवा को लेकर जो कार्य हो रहे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। आप पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में गो सेवा का अलग जगा रहे हैं। भारत उत्थान अभियान के माध्यम से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं। कहीं कहीं गौशाला के लिए आपने बहुत सारा काम किया है, तो क्या कहना है आपका वर्तमान परिदृश्य में गो माता की क्या स्थिति है और क्यों गो माता की सेवा करना जरूरी है? हमारा उद्देश्य है हर हर गाय घर घर गाय, इसी उद्देश्य को लेकर के चले हैं। और वर्तमान परिदृश्य में गो माता की जो स्थिति है अपने मध्य प्रदेश में अगर देखें तो सरकारी आंकड़ों को ध्यान में आते हैं कि हर जिले में 20 से 25,000 गो माताएं सड़कों पर हैं। उसके मूल में समाज में गो माता के प्रति भक्ति की कमी आई है, युवा गो माता की सेवा से दूर हुआ है। इस भाव को लेकर के हम लोगों में जन जागरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा का लक्ष्य लेकर के हम हर हर गाय घर घर गाय को लेकर के यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी तक हमारी 150 विधानसभा पे गो यात्राएं निकल चुकी है। उस गो यात्रा के कारण काफी मात्रा में युवा जुड़े हैं, उसके परिणाम स्वरूप 30,000 लोगों ने घरों में गाय बन की सेवा करने लगे हैं, 20,000 लोगों ने शराब छोड़ी है, 1,25,000 से अधिक पौधे हमने लगाए और 10,000 से अधिक गाँव में हम जा चुके हैं। इसी उद्देश्य के माध्यम से लगातार हमारे कार्य चल रहे हैं ताकि जब तक समाज में भक्ति नहीं जगेगी तब तक गो माता की सेवा संभव नहीं है। इस भाव को, और गो माता घर में है तो सकारात्मक वातावरण है। गो माता की पीठ पे हाथ घुमाने से बीपी ठीक होता है, गले के नीचे हाथ घुमाने से कर्जा खत्म होता है, सींग पे हाथ घुमाने से क्रोध शांत होता है, पूंछ पे हाथ घुमाने से आदि व्याधि समाप्त हो जाती है, नित्य गोमूत्र सेवन से कोई बीमारी नहीं होती है। मैं खुद 15 वर्ष से गो मूत्र ले रहा हूँ, उसका परिणाम है कि व्यक्ति सुखी। इसी भाव को लेकर के और ये जन जागरण हो जाएगा, हर घर में गाय होगी तभी गो माता बचेगी, ऐसा हमारा अपना मानना है। पहले देखा जाता था कि गायों को लोग कहीं दिख जाती थी तो अपने घर ले जाते थे, अब उल्टा समय आ गया है, गायों को लोग सड़कों पर भेज रहे हैं, खेतों से गाय कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है, वहां पर कृष्ण के कीड़े सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है, कैसे हमारे किसान भाइयों वापस गो माता का उपयोग करके कृषि में उत्पादन बढ़ाए, इसके लिए क्या तरीका आपने सुझाया है? उसके लिए हमारा मानना है कि जो हमारी ऋषि परंपरा है उसके अनुसार जो समाज खेती करता था, क्योंकि बैल धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए जब खेती करते हैं तो धर्म आधारित खेती रहती है, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को उस अनाज में धार्मिकता रहती है। तो हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आपके परिवार के लिए जितना आवश्यक अनाज लगता है उतनी खेती तो आप बेल भगवान से करें, जिससे कि कीड़े बचेंगे और घर में गाय रहेगी और गाय का दूध आपके बच्चे पिएंगे तो परिवार सुखी रहेगा, सकारात्मक बनी रहेगी इसको लेकर। और उसका परिणाम ये है कि अब लोग बेल से खेती करने लगे हैं, अब बेल आधारित ट्रैक्टर भी चलने लगे हैं, बेल आधारित नलकूप भी शुरू हुए हैं, तो जो किसान बंधु हैं इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और हमारे जनजागरण के माध्यम से सकारात्मक परिणाम भी आए और कीड़े कटने से बच भी रहे। केरल में आपने देखा कि पिछले साल सरेआम गायों को काटा गया, सरेआम वहां पर उनके मांस को पकाया गया और लोगों ने वहां पर खाया भी, पर ठीक विपरीत एक साल बाद वहां पर बहुत बड़ी त्रासदी आई और वहां पर त्राही त्राही मच गई, इसको लेकर आपका क्या कहना है? गो माता वो विश्व की माता है,
वो सपन कल्पना में भी वो किसी का बुरा नहीं कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्म का दंड अवश्य भोगता है। तो कई बार हमें ध्यान में आता है, लोग कहते हैं गोमांस लोगों ने खाया उसके परिणाम ये भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उनने कर्म किए प्रकृति ने उनके साथ वैसा व्यवहार किया, उसमें गोमाता का तो गोमाता हर परिपेक्ष में आशीर्वाद ही देती है, लेकिन जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको दंड भुगतना पड़ेगा। केरल के उन लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, गोमाता के साथ वैसा किया, तो उसका दंड प्रकृति ने दिया, लेकिन गोमाता का तो आशीर्वाद हमेशा रहता है, वो चाहे कुछ भी हो, माँ के लिए तो सब समान है। तो ये तो हो गई गो सेवा और देशभक्ति की बातें। अब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की। आप तमाम क्षेत्रों में रोजाना हम सुनने में आता है कि आज आपका दौरा वहां है, आज आप वहां रैलियां कर रहे हैं, वहां पर आपका दौरा है। तो और एक और सबसे बड़ा विषय ये भी सुनने में आ रहा है कि आप एक क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट भी वहां से देने वाली है, तो इस पर आपकी क्या राय है? चूंकि सुजालपुर हमारा मूल क्षेत्र है और मैं संगठन का सिपाही हूँ, संगठन जैसा आदेश करेगा मैं उसके लिए तत्पर हूँ, और स्वाभाविक है मेरा सौभाग्य होगा भारतीय जनता पार्टी दिशा में विचार कर रही है, तो निश्चित ही सकारात्मक काम करने की प्रेरणा हमारे संगठनों में दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा उद्देश्य है अंत्योदय, तो अंतिम पंक्ति में जाकर के समाज जागरण का काम जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उससे विचारी जितने भी संगठन है वो सहयोग करते हैं, और ऐसा होता है ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और हजारों लाखों लोग जो समाज में रचनात्मक काम कर रहे हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी कि समाज में रचनात्मक काम करने वालों को संगठनों के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रोत्साहित करते हैं। ये बड़ा पार्टी के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा, समाज में भी ठीक संदेश जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उस क्षेत्र में उतारती है तो आपका क्या प्लानिंग है वहां के लिए, क्या क्या करेंगे आप, क्या योजनाएं लेकर उस क्षेत्र का विकास करेंगे? हमारा उद्देश्य यही है कि गो आधारित जीवन हो। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम 15 बार जा चुके हैं, एक बार पैदल हमने गो माता को लेकर यात्रा की थी 501 किलोमीटर की, 151 गांव की। तो उसमें हर गांव में कोऑपरेटिव गो आधारित कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाएंगे, वहां पर जल पर्याप्त मात्रा में हो इसके लिए हमने नेवज नदी की परिक्रमा की, कालीसिंध की, पार्वती की, और मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की थी, उसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की और उसका राशि भी सैंक्शन हो चुकी है कि नेवज नदी में कालीसिंध में मां नर्मदा का जल आएगा। तो हमारे क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा रहेगी, हर किसान के खेत को पानी मिलेगा, हर गांव जुड़ेंगे और विद्यालय की सुविधाएं होगी, अस्पताल होंगे, और कुल मिला के रचनात्मक काम में हमारे क्षेत्र के लोग लगे। और हमने इन 2-3 सालों में सुजालपुर विधानसभा में एक सकारात्मक कार्य की पहल की, बिना किसी का विरोध किए, जो मूल कार्य एक जनप्रतिनिधि के होना चाहिए। एक हमारे समय जो राजा किया करता था कि वो अपने क्षेत्र की जनता के जल की चिंता करता था, धर्म आधारित जीवन वो जिए इसकी चिंता करता था, सब प्रकार के रचनात्मक काम में हमारी प्रजा लगे, ये भाव उस समय हमारे इतिहास में भी ये सिखाया जाता है कि रचनात्मक काम से। तो वही सारे कार्यों का हमने शुरुआत की है और सुजालपुर क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा बने, क्षेत्र में लोग प्रेरणा मिले, देश भर के जितने भी विधायक जनप्रतिनिधि है हमारा सपना है कि वो सुजालपुर में आके सीखे समझे कि आदर्श विधानसभा या क्षेत्र में किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि को कार्य करना चाहिए, ये मेरा अपना संकल्प है। तो ये है संत श्री राजेंद्र सिंह जी राजपूत, जो सुजालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं संघ की तरफ से भी इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह गो हित में, देश हित में और समाज हित में और प्रकृति हित में कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।